हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होगे बेटा। तो भाई सर, मैं आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन, मतलब टाइप्स फैक्टराइजेशन, मतलब हम लोग बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए पहले हमारी विधि कौन सी, मतलब कॉन्सेप्ट कौन सा होता है आपका, होता है फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बेटा थोड़ा सा, अब जैसे पहले में क्या था, हमने नॉर्मल फैक्टराइज किया था, यहाँ बेटा थोड़े से अच्छे सवाल आपके सामने यहाँ पर प्रकट हुए हैं। बेटा पहला सवाल अगर यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो इसमें बेटा सवाल बहुत सारे हैं, तो ये मत सोचना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ दो वीडियो थे या तीन वीडियो आ रहे हैं, लेकिन सवाल देखो 1 2 3 4, अगर मैंने तीन वीडियो 12 सवाल आपके दिन के हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से मतलब पढ़िए खाली बस। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला में यहाँ सॉल्व करते हैं सवाल, जो ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं, तो यूपी बोर्ड में इनके आने की संभावना है। ठीक, तो एनसीईआरटी तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, हालांकि मैं एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करा रहा हूँ, उसमें भी आपकी एनसीईआरटी कवर भी कवर हो रही है, लेकिन ये थोड़ा, ये बड़ा वो क्वेश्चन है कि अगर पेपर का स्तर थोड़ा सा ऊपर करेगा, वो ऊपर करेगा करेगा तो है ही है, तो इस टाइप क्वेश्चन आपके आने की संभावना यहाँ पर आपके है। तो हम यहाँ कहते हैं आपका पहला, हम लोग आंसर देखते हैं, तो हम कह रहा है 4x² 4x² माइनस का 2 आपका हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस का 20² x, और प्लस का आपका दे रखा है ए स्क्वायर इंटू 20² = 0, कह रहे इसको फैक्टर करो, इसका फैक्टर हमें करना है। अगर हम एक्स का अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x² कैसे आपका आ जाएगा, माइनस का 2a² x आ जाएगा, ये माइनस का 2b² x आ जाएगा। भाई देखो, जब -2 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करोगे तो माइनस का 2a² आ जाएगा, बेटा एक्स का मल्टीप्लाई इन से करोगे तो आपका माइनस का 2a² x आपका हो जाएगा, ऐसे इनका कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये क्या जाएगा प्लस आपका आ जाएगा a² × 20² = आपका 0 आ जाएगा। इन दोनों से बेटा हम कॉमन क्या ले लें, देखो यहाँ से तुम्हें कॉमन क्या मिल रहा है, 2x कॉमन मिल रहा है, बेटा यहाँ से अगर 2x कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा 2 बचेगा, 2x बचेगा, और माइनस का देखो 2x कॉमन चला गया, तुम्हारा यहाँ पर a² बच जाएगा, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। बड़ा इन दोनों से अगर माइनस का अगर 20² कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा, 2x बचेगा, और माइनस का आपका a² बच जाएगा, हो गया फैक्टर ना। भाई देखो सवाल, अब इस टाइप के सवाल में कैसे जान पाओगे सर कॉमन कैसे लेना है, यहाँ देखो 1 2 3 4 टर्म है, अगर 4 टर्म है तो दो दो कॉमन लेकर देखते हैं, यहाँ हमारा काम बन गया, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, वरना हम और कोई तरीका यहाँ पर ट्राई करते हैं। दोनों में आपका 2x - a² कॉमन मिल रहा है, तो 2x - a² बड़ा अगर कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 2x - b² = आपका 0 आ जाएगा। भाई सवाल आसान था लेकिन देखने में थोड़ा अच्छा सवाल था, इसलिए इस सवाल को यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो देखो कि व्हेन, मतलब जब 2x - a² = 0, तो 2x वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारी a² आ जाएगी, या x वैल्यू क्या आ जाएगी, a² / 2 आपका आ जाएगा, ये हमारा पहला रूट मिल जाएगा। ठीक है, देखोगे व्हेन, जब 2x - b² = 0 आ जाएगा, या 2x वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी 20² आ जाएगी, ये x वैल्यू क्या आ जाएगी, b² / 2 आ जाएगा, फिर क्या जाएगा, ये हमारे दोनों एक्स वाले रूट हमको मिल जाएंगे, और पहला क्वेश्चन ऐसे ही यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने हम अगले क्वेश्चन की चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और परीक्षा में सीबीएसई बोर्ड में 3 बार आ चुका है, अगर यूपी बोर्ड में, अगर यूपी बोर्ड वालों का थोड़ा सा अगर कहते नहीं, थोड़ा पेपर थोड़ा अच्छा लेवल बनाएंगे ना, तो इस टाइप क्वेश्चन वो दे देंगे। भाई वो तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको, और एक एक दो क्वेश्चन बाहर के आते तो है ही हैं, तो बेटा उसी के लिए पढ़ाते हैं। बाकी 70 में 55 नंबर तो सभी दिला देंगे, लेकिन 70 में 70 दिलाने का प्रयास यहाँ पर हो जाए, मतलब प्रयास आपका यहाँ पर प्रयास किया जाता है। अब देखो बेटा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर यहाँ बात करते हैं हम लोग, तो सेकंड कह रहा है 9x² - 9 आपका हो जाएगा ए प्लस का बी आ जाएगा, और ये आपका एक्स आ जाएगा, प्लस इतना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2a² प्लस का 5ab प्लस का 2b² आ जाएगा। तो सर ये तो अलग कहानी इसकी चल रही है, बेटा देखो अभी इसको इतना रहने दो, पहले ये वाला टर्म जो कॉन्स्टेंट है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बेटा आप लोग की परमिशन हो तो इस टर्म को हम लोग यहाँ पर इसका सॉल्व करते हैं। भाई फैक्टर विधि में भी फैक्टर वो करना पड़ेगा इसका, तो इसका हम लोग फैक्टर करके देखते हैं। आपका हो जाएगा 2a² प्लस का 5ab प्लस आपका हो जाएगा 2b² = 0 आपका आ जाएगा। भाई देखो ये a + b का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, अगर यहाँ पर 6 होता
या 6 होता है, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे अगर आपका कुछ और होता तो 5 AB से आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं बनना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन भाई से मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, कितना आपका आ जाएगा, ये हमारा 4A² B² आ जाएगा। इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। 5 AB को ऐसा लिखो, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो 5 AB को, कि जोड़ने या घटाने पर आपका 5 AB आए और मल्टीप्लाई करने पर 4A² B² आए। तो बेटा यहाँ देखो, 5 को हम लिख सकते हैं 4 AB लिख सकते हो, 5 और प्लस का AB लिख सकते हो, जब इनको ऐड करोगे आपका 5 AB आ जाएगा, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 4AB * AB का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 4A² और B² ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखो हम लोग क्या लिखेंगे, 2A² ऐसे रहेगा, भाई 5 AB को हम लोग करेंगे 4 AB प्लस का AB आपका हो जाएगा, और प्लस का आपका ये 2B² = आपका 0 आ जाएगा। भाई इतना सिंपल सा फैक्टर आपका हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लो बड़ा, आगे से इतने इनसे कॉमन ले लो, यहाँ से आपका 2A कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका A बचेगा प्लस का 2B बचेगा। यहाँ से बेटा अगर दोनों B कॉमन ले लो तो A प्लस का 2B यहाँ भी बचेगा, इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा, इक्वल टू आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो दोनों बेटा A प्लस का 2B कॉमन मिल रहा है, तो अगर A प्लस का 2B दोनों में कॉमन ले लेंगे तो कितना कब बचेगा, 2A प्लस का B बराबर आपका 0 आ जाएगा। तो ये इसका फैक्टर आ जाएगा। तो ध्यान देना, हम इन भाई साहब की जगह ये वाला पार्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहो तो यहाँ 0 मत लगाओ, खाली इसका फैक्टराइज खाली किया गया है ना, 0 मत लगाओ यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ बेटा ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 9 स्क्वायर ऐसा लिखा जाएगा, माइनस का 9 आपका हो जाएगा, ए प्लस का बी एक्स आ जाएगा। और यहाँ देखो बेटा इन भाई साहब की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, इनका फैक्टर करने पर इतना आपका आ जाएगा, तो ए प्लस का 2B आपका आ जाएगा, और ए ये कितना आ जाएगा, 2A + B = आपका 0 आ जाएगा। इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बट, अगर आप लोग की परमिशन हो तो ये वाला काम हम लोग रफ करते हैं, आप लोग साइड में इसको लिखिएगा, तो वीडियो तो दोबारा दे सकते हो ना, तब अपने सवाल पे यहाँ पे आते हैं, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर रफ करते हैं। अब देखो इधर, इनका हमको फैक्टर करना है, कैसे फैक्टर होगा, तो जुगाड़ कुछ लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो इधर, इसको हम क्या ले सकते हैं भाई, देखो इसको जैसे हम लोग फैक्टर करते हैं वैसे फैक्टर करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई इनसे कर लो, कॉन्स्टेंट से कर लो, तो ये कितना आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9X² आ जाएगा। बट अगर इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ए प्लस का 2B आ जाएगा, ये आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, कितना जाएगा ए, ये आपका जाएगा 2A + B आपका आ जाएगा। मतलब जब X² टर्म का मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट करोगे आपका इतना वहां पर आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि माइनस के 9 AB को माइनस के 9 A + B * X को ऐसा ब्रेक करो कि ऐसे दो पार्ट में इसको ब्रेक करना है, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि जोड़ने और घटाने पर आपका इतना आना चाहिए, जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए, ये वाला पार्ट पूरा आना चाहिए। ठीक है, हमें नहीं पता बड़ा, इनको हम कुछ थोड़ा सा ब्रेक करके लिख सकते हैं। भाई देखो -3 - 3 अब कितना आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ जुगाड़ करते हैं, कैसे करेंगे देखो इधर। तो बड़ा 9 को तुम क्या लिख सकते हो भाई, अगर इसका फैक्टर यहाँ शुरू करना करो तो 9 9 को 3 * 3 लिख सकते हो, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। और तो एक्स को x * x लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो a + 2B लिख लो, और कितना लिख लो, * आपका 2A + B लिख लो, ठीक है बेटा। अगर इनको अगर थोड़ा माइनस में लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं -9, ये -3, अब कितना आ जाएगा, 9 + 2B लिख लो, और ये कितना आ जाएगा, -2A और -, इसको B लिख लो। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो ये यहाँ कितना लिखा जाएगा, ये आपका आ जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा रुको एक चीज, हाँ इतना लिखा गया है, सुन सकते हैं -3A x आपका हो जाएगा, a + ये 2B आ जाएगा। अब इनको देखो -3x ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2A + ये आपका B आ जाएगा। तो सर इतना तो नहीं आ रहा है ऐड करने पर, ये बेटा ऐड करोगे तो इतना ही आएगा, कैसे आएगा भाई देखो, यहाँ से अगर हम -3 ऐसे कॉमन ले लेते हैं और पीछे x कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा,
ये हमारा बचेगा, यहाँ बचेगा, ये देखो ये बेटा माइनस कॉमन ले लोगे तो दोनों के प्लस हो जाएंगे, कितना बचेगा ए प्लस का 2b, इतना हो जाएगा। और ये प्लस का 2a प्लस का आपका ये b रहेगा यहाँ पे ना, ये आपका b हो जाएगा। तो अब देखो तो इनका अगर ऐड करने पर भाई, इनको देखो जब इनको सॉल्व करोगे इतना आपका आ जाएगा, ये आपका तो ए ए आपका 3 आ जाएगा, 3 ए बी बी आपका 3b आ जाएगा, 3b आ जाएगा। और जब यहाँ से बेटा 3 कॉमन ले लोगे ये माइनस का 3 ऐसे रहेगा, जब बेटा 3 यहाँ से कॉमन, ये आपका एक्स ऐसे लिखा जाएगा, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। अब देखो बेटा 3 कॉमन ले लोगे तो कितना जाएगा, माइनस का 3 पहले से है, और जब 3 कॉमन जाएगा तो इंटू आपका 3 आ जाएगा, ये आपका ए प्लस का बी इंटू एक्स आ जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, ये देखो आपका माइनस का 9 ए प्लस बी आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो बेटा ये हमको इस पार्ट में इसको हमको यहाँ पर ब्रेक करना है, ऐसे हमको इसको यहाँ पर ब्रेक करना है। भाई देखो इसको सॉल्व करने पर आपका इतना तो आ रहा है, ये आपका ये कितना आपका आ जाएगा, इस लिखोगे माइनस का 9 ए प्लस बी आपका यहाँ पर एक्स हो जाएगा। तो बोलोगे सर, आप लोग क्या बोलोगे, सर हमने क्या किया है, ये 9x² का मल्टीप्लाई इन भाई साहब से कर दिया है। ठीक है, आपका इतना आया है, अब कह रहे हैं माइनस के 9 ए प्लस बी इंटू एक्स। तो ऐसा ब्रेक करो, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिनको जोड़ने या घटाने पर आपका माइनस माइनस आए। ठीक, हमें नहीं पता किस दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो हमने क्या किया भाई, इन्हीं का हमने फैक्टर करना शुरू कर दिया। तो हम 9 को 3 इंटू 3 लिख लेंगे, x² को x इंटू एक्स लिख लेंगे। ठीक, ये आपका ए प्लस बी ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इनका बेटा पेयर बना लो, जब पेयर बनाओगे तो 3a+2b और x आपका साथ में हो जाएगा, और 3x और 2a+b आपका साथ में हो जाएगा, दोनों माइनस लगा लो। तो सर ये कैसे बनना, क्या इसको दो पार्ट में आपने ब्रेक कर दिया है, तो सर क्या इसको ओपन करने पर आपका ये माइनस का 9a+bx आ रहा है, हाँ आ रहा है भाई, मैंने इनको ओपन कर दिया। जैसे हमने क्या किया, दोनों में से माइनस का 3 कॉमन ले लिया, जब बेटा माइनस कॉमन लोगे सब पूरा अंदर पूरा आपका प्लस हो जाएगा, तो 2a+2b+2b+b आपका हो जाएगा, 2a+2b+2a+b आपका आ जाएगा। भाई इनको जब ऐड करोगे आपका 3a+3b आ जाएगा, 3 कॉमन ले लोगे आपका 3 3 3 × 3 आपका 9 यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस का 9a+b × x आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा फैक्टर यहाँ पे सही हुआ है बेटा, यही तरीका है, वरना तो फिर आप करते रह जाओगे, आपका यहाँ पर नहीं आने वाला है। अब देखो 9x² आपका ऐसे हो जाएगा। अब माइनस का 9a+bx की जगह हम लोग ये वाला पार्ट यहाँ लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे, माइनस का 3x आपका आ जाएगा, ये आपका a प्लस का 2b आ जाएगा, यहाँ माइनस का 3x आपका आ जाएगा, 2a+ का ये आपका b आ जाएगा, यहाँ पे b लिखा था भैया, है ना, डरना मत, b लिखा ये। अब यहाँ देखो प्लस का आपका आ जाएगा, a प्लस का 2b आपका हो जाएगा, ये कितना आपका आ जाएगा, 2a+b बराबर आपका 0 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो इन दोनों में से कॉमन तुम्हें, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो बोलोगे इसमें कॉमन क्या मिल रहा है भाई, यहाँ से अगर कॉमन ले लोगे तो कितना जाएगा, 3 आपका x अगर कॉमन ले लो तो अंदर कितना बचेगा, 3x माइनस का आपका बचेगा a प्लस का 2b बचेगा आपका। भाई मैंने कुछ जादू नहीं किया है, मैंने इनकी जगह पर माइनस का 9a+bx की जगह पर मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, क्यों, क्योंकि हमने इसको ब्रेक करके भाई इसको जब सॉल्व करोगे आपका माइनस का 9a+b ही आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है बेटा, जब इनको दो पार्ट में लिख लिया गया है तो इन दोनों में से मैंने 9, तो देखो यहाँ बेटा 3x खाली कॉमन मिल रहा है, जब बेटा इन दो पार्ट में, इन दो टर्म में से 3x कॉमन लोगे तो अंदर आपका बचेगा 3x माइनस का ए प्लस का 2b बचेगा आपका। अब देखो बेटा इस पार्ट में से, इतने पार्ट में से अगर यहाँ से अगर तुम माइनस का 2a+b कॉमन ले लो तो अंदर कितना बचेगा, ये आपका 3x बचेगा। भाई जब माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला आपका प्लस हो जाएगा, ये पार्ट आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस का आपका a प्लस का 2b यहाँ बचेगा, इसका टू आपका 0 हो जाएगा। देखो देखो बेटा दोनों में, देखो दोनों में 3x माइनस का a+2b बचा है, ये दोनों कॉमन, दोनों कॉमन मिल रहा है, यहाँ से अगर हम 3x ये a आपका हो जाएगा a+2b, ये बेटा का दोनों कॉमन ले लेते हैं तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा हमारा 3x माइनस का 2a+b बचेगा, इक्वल 0 आ जाएगा। तो बोलोगे सर एक बार इसको हम इक्वल, इसको बेटा जब एक बार इक्वल दिखाओगे 0 के तो 3x वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस का 2b आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस का 2b/3 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग खुद से लिखोगे कि व्हेन 3x माइनस का a+2b = 0, देन तब x की वैल्यू इतनी आ जाएगी।
जाइए बेटा इसको इक्वल 0 करोगे तो 3x वाला कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 2a प्लस का b आ जाएगा, x वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a प्लस का b अपान का ये 3 आ जाएगा। ये कह रहा है दोनों बेटा x के ये जो x की वैल्यू आ जाएंगी ये बेटा सेकेंड वाली इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया गया है ना इससे क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा भाई। इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन अभी सुबह सुबह पोस्ट किया था, मतलब क्या जो अभी मेरी लास्ट पोस्ट होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, उसी में मैंने दो क्वेश्चन लिए थे तो उस टाइप से इनको उल्टा हमने ब्रेक किया था, ऐसे ही वहाँ पर भी ऐसे ही सॉल्व किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बेटा एक दो बार जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ें एक बार समझ में नहीं आती हैं, दो बार देखना समझ में आ जाएगा। इसको हम रफ करते हैं, अपने हम थर्ड क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि अगर एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे ना तो भाई बहुत टाइम लगेगा, इतना मतलब टाइम क्या लगेगा कि अब एक वीडियो में 3 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। आप लोग आराम से देखिए, पहले तुमने पता क्या क्या किया करो, पहले वीडियो में देखा करो। हम यहाँ देखिए मेरे भी पढ़े भाई, वीडियो पॉज कर लो, चारों क्वेश्चन नोट कर लो, चारों क्वेश्चन नोट करोगे फिर चारों क्वेश्चन अपना सॉल्व करो, जो ना आपसे आ रहे हो यहाँ पर देख लो, वरना तो फिर अपनी पढ़ाई तो है ही है। अब देखो आंसर नंबर थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और माइनस का आपको दे रखा है ए स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 बराबर आपको 0 दे रखा है। अब यहाँ देखो बेटा इन दोनों में सिंपल सवाल था, ये सवाल यहाँ ऐसे ले लिया गया मजाक मजाक में। बेटा यहाँ से तुम कॉमन क्या ले सकते हो, यहाँ से अगर बेटा तुम बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर एक्स और प्लस का 1 कॉमन बचेगा। ठीक है बेटा यहाँ से अगर आप माइनस का 1 खाली कॉमन ले लो तो अंदर कितना बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस का 1 बचेगा, इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। भाई जैसे आप इनका मल्टीप्लाई करो फिर से आपको वही पार्ट पूरा ऊपर वाला मिल जाएगा, दोनों बेटा ए स्क्वायर एक्स प्लस का 1 ये कॉमन मिल रहा है, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस का 1 आपका ए ब्रैकेट में हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स ये माइनस का 1 बराबर आपका 0 आ जाएगा। इसे यहाँ पर इंडिकेशन का साइन यहाँ पर लगा देंगे। ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था भाई, दो बड़े क्वेश्चन हैं और बाकी छोटे क्वेश्चन हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, आप में आ सकता है, तो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया, आ जाएगा तो आप लोग छक्का मारे क्वेश्चन पूरा पूरा कर लीजिएगा। अब हम बेटा हम अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आंसर नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है कि 1 अपान का a प्लस बी प्लस एक्स आपका हो जाएगा 1 अपान का a प्लस का 1 अपान का b प्लस का 1 अपान का एक्स कह रहे हैं, इनको फैक्टराइज करो। बेटा यहाँ आप लोग की सांसें थम जाएंगी, ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी वरना क्वेश्चन नहीं आएगी। तो इसमें क्या करना है, 1 अपान एक्स को आप बाई साइड लेकर के जाओ तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका 1 अपान का a प्लस का b प्लस का आपका एक्स आ जाएगा और ये आपका माइनस का 1 अपान एक्स आ जाएगा, एक हो जाएगा 1 अपान ए प्लस का 1 अपान बी आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लो तब आ जाएगा एक्स, ये आपका माइनस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स और अपान में क्या आ जाएगा एक्स आपका ऐसे रहेगा, ये ए प्लस बी प्लस एक्स आपका ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ देखो बेटा इनका एलसीएम ले लो तो बी प्लस का ए अपान का ए बी आपका आ जाएगा। भाई इनका ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका आ जाएगा, देखो इधर जैसे बेटा इनका ब्रैकेट आप ओपन करोगे आपका क्या जाएगा ऊपर एक्स माइनस का ए माइनस का बी माइनस का आपका एक्स आ जाएगा, अपान में इनका बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर लो आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए, ठीक ये कितना आपका आ जाएगा, इसको हम बी प्लस ए को हम ए प्लस का बी अपान का ए बी लिख सकते हैं। अब देखो बेटा ये आपका प्लस का एक्स माइनस आपस में स्वाहा हो जाएगा, देखो बेटा ऊपर माइनस का ही माइनस का बी लिखा है, बेटा ऊपर अगर माइनस का एक माइनस खाली कॉमन ले लोगे तो आपका ए प्लस का बी आ जाएगा, नीचे आपका ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर की तरह ये आपको लिखा रहेगा ए प्लस का बी ब्रैकेट में रहेगा, ये आपका ए अपान में क्या हो जाएगा ए इंटू बी आपका आ जाएगा, भाई ये आपका कट जाएगा आपका। ठीक अब इधर देखो इसके आगे तो बेटा ऊपर क्या जाएगा माइनस का 1 अपान का ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा। यहाँ देखो 1 अपान का ए बी ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर, बड़ा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो करोगे कितना आपका आ जाएगा, ये एक जाएगा माइनस का ए बी इक्वल कितना आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस का
बी एक्स प्लस का आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, माइनस का ये भी जाओ, जब दाई ओर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का आपका ये भी आ जाएगा इक्वल टू आपका जीरो आ जाएगा। भाई इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो तो एक्स प्लस का ए यहाँ बचेगा, भाई इन इन दोनों में से बी कॉमन ले लो तो आपका एक्स प्लस का ए यहाँ पर ऐसे बचा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो भाई एक्स प्लस ए दोनों कॉमन मिल रहा है तो आपका एक्स प्लस का बी आपका इतना मिलेगा। ये बेटा इसको एक बार इक्वल जीरो करोगे आप लोग, लिखना व्हेन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो देन एक्स वैल्यू माइनस हो जाएगा। हम ऐसे कर रहे हैं तो एक्स वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का ए मिल जाएगी। जब इसको आप एक्स के जब एक्स प्लस बी को आप जीरो के इक्वल करोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस का बी मिल जाएगी। तो माइनस का माइनस बी क्या हो जाएगा, इसके रूट्स हो जाएंगे। तो बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट की ओर, तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद।